मुजफ्फरपुर में रसोईया कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बैरिया चांदनी चौक मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर लगाए सरकार विरोधी नारे। वेतन की बढ़ोतरी और सरकारी कर्मचारी की दर्जा देने की मुख्य मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। जी बताइएगा, किस लिए आज यहाँ चक्का जाम किया गया? बिहार के बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन सहित चार अन्य संगठनों के संयुक्त आह्वान पर हम लोग बिहार सरकार के साथ 24 मई को प्रदर्शन किए थे। उस प्रदर्शन में सरकार ने हम लोग को वादा किया था मानदेय में मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार का आयुष्मान योजना के तहत है वो दिया जाएगा, साल में 2 ड्रेस दिया जाएगा और मातृत्व अवकाश की सुविधा दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने हमारे साथ वादा पूरा नहीं किया और डायरेक्टर मध्याह्न भोजन डायरेक्टर ने हम लोग को चिट्ठी निकालने का आदेश दे दिया है। इसी के खिलाफ बिहार सरकार के वादा खिलाफ ही और विद्यालय से निकालने का जो पत्र जारी किया है उसको वापसी को लेकर हम लोग आज पूरे बिहार में 4 यूनियनों के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब तक हमारी बातें नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल 27 जनवरी से जो है वो जारी रहेगा और बीच में हम लोग प्रदर्शन आज कर रहे हैं। इसके बाद सभी MP MLA सारे पार्टियों के जिला अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष और ऑल इंडिया का जो नेता है उसके पास हम लोग पत्रिकाओं को देकर उनसे समर्थन का अपील करेंगे और भारत सरकार बिहार सरकार को हम लोग घुटना टेकने के लिए मजबूर करेंगे। मैं नरेश राम, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन का राज्य अध्यक्ष।